अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड टाइम फूड डिशेस। आज मैं आलू और बैंगन के पकोड़े की रेसिपी शेयर करूंगी। पकोड़ों के बगैर हमारे इफ्तार में मज़ा नहीं आएगा। तो हम कभी दाल के पकोड़े बनाते हैं, कभी बैंगन के, कभी आलू के और कभी प्याज के पकोड़े हमें रोज़ाना बनाने हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बैंगन का पकौड़ा बनाएंगे। तो बैंगन के इस तरह से मैंने छिलके को छील लेना है, आखिरी के सिरे को, और उसके डंठल को हम इस तरह से काट कर निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दो बैंगन लिए हैं, तो छोटी साइज़ के बैंगन है ये, तो इसके मैं दोनों डंठल को अलग कर लूँगी और इसके पतले पतले से स्लाइसेस कर लूँगी मैं। तो आप यहाँ पर स्लाइसर से भी कट कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको छुरी से ही इस तरह से कट करूँगी और इसके इस तरह से बहुत ही पतले पतले से स्लाइस में से कट कर लूँगी। हाथों से भी ये बहुत जल्दी से कट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये बैंगन काटने के साथ में ही काला होने लगता है ये, तो इसे हम पानी में भिगो देंगे। तो इसे हम पानी में डिबो कर रख देंगे। सारे बैंगन मैंने पानी में डाल दिए हैं और इसे हम ढक कर रख देंगे। अब यहाँ पर हमने आलू के पकौड़े बनाने हैं, तो यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। इसके भी हमें छिलके निकाल देने हैं, तो हम इसे छुरी से इसे छील लेंगे अच्छे से। इस तरह से मैं दोनों आलू के छिलके छील लूँगी। तो यहाँ पर आप पीलर से भी छिलके उतार सकते हैं आलू के, और छुरी से भी कर सकते हैं। तो देखिए एकदम साफ़ हो गए हैं ये आलू, मैंने इसके छिलके अच्छे से साफ़ कर लिए। तो दोनों आलू के छिलके मैंने उतार लिए हैं, अब हम इसके भी स्लाइस कर लेंगे। तो यहाँ पर भी आप स्लाइसर से कट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर छुरी से ही कट करूँगी। तो ये देखिए बहुत ही पतले पतले से स्लाइसेस हमें इसके करने हैं। इस तरह से हमारे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे बनेंगे। अगर आपने यहाँ पर मोटे मोटे से स्लाइसेस में से कट कर लिया तो पकौड़े में मज़ा नहीं आएगा और वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है, तो आलू भी काटने के साथ ही काले पड़ने लगते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसे पानी में इसे भी भिगो देंगे और हम इसे भिगोने के बाद में अच्छे से वॉश कर लेंगे। आप इसे नल के नीचे छलनी में भी अच्छे से धो सकते हैं कि इसका स्टार्च सारा निकल जाए। तो हम यहाँ पर दो तीन बार इसे धो लेंगे आलू को। अब यहाँ पर हम अपना बेसन घोल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो कप बेसन ले लिया है और यहाँ पर क्वार्टर कप में इसमें चावल का आटा ऐड करूँगी। तो चावल का आटा हम ऐड करेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे हमारे पकौड़े। और एक चम्मच यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है और एक चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। चुटकी भर में इसमें हल्दी पाउडर डाल दूँगी और आधा चम्मच हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे। एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे हम। तो यहाँ पर आप अमचूर और कुटी हुई लाल मिर्च ये सब डालेंगे तो बहुत ही मज़ेदार पकौड़े बनेंगे। इसे हम एक बार ड्राई मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बनाएंगे। तो पहले आप यहाँ पर ज़्यादा पानी मत डाल दीजिएगा, वरना इसमें बहुत ही गुठलियाँ पड़ जाएंगी और फिर वो जल्दी से गुठलियाँ सही नहीं होंगी। मैं यहाँ पर थोड़े थोड़े से पानी डालकर इसे अच्छे से पेस्ट पहले बना लूँगी। तो देखिए अच्छा सा ये पेस्ट इसका बन गया है, तो ये बहुत ही गाढ़ा है अभी। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए पकोड़े के बैटर की। हमारा घोल रेडी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे खूब सारा हरा धनिया। तो हरे धनिए से बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और लुक वाइज भी बहुत ही अच्छा दिखेगा ये। तो यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पर पहले बैंगन के पकोड़े बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने सारा पानी निथार लिया है बैंगन का, छलनी में डालकर मैंने उसे रख दिया था। अब हम क्या करेंगे कि बैंगन को बेसन में डिप करेंगे और इसे हम फ्राई पैन में ऑयल गर्म कर लिया था मैंने पहले ही, हम उसमें डाल देंगे ये बैंगन और इस तरह से जितने इसमें आ सकते हैं उतने बैंगन हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर हमें हाई फ्लेम पर पकौड़े फ्राई करने हैं। तो देखिए यहाँ पर जितने आ सकते हैं मैं डाल दूँगी और हमें पहले कुछ नहीं करना है, दो मिनट के लिए हम इसी तरह से पकने देंगे इसे। ये बहुत ही अच्छे फूल जाएंगे पकोड़े। ये देखिए पकोड़े फूल गए हैं, एकदम फ्लफ़ी हो गए हैं। तो अब हम इसे पलट लेंगे और इसे हम दोनों साइड से गोल्डन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर इसमें आ चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे हम इसी तरह से सारे बैंगन को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे बैंगन के पकोड़े रेडी हैं। तो बहुत ही टेस्टी पकोड़े बनते हैं, इस तरह से आप ज़रूर बनाएं। और पकोड़े हरी चटनी के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर मैं इसे हरी चटनी के साथ सर्व करूँगी।
यहाँ पर हमारे बैगन के पकौड़े बन चुके हैं, तो चलिए अब हम अपने आलू के पकौड़े भी बना लेंगे। तो यहाँ इसे भी मैंने छलनी में डाल दिया था कुछ देर पहले कि इसका सारा पानी निथर जाए। अब हम एक एक आलू को उठाएंगे और इसे बेसन में डिप करेंगे और इस तरह से पैन में डाल देंगे तेल में हम। तो इसे भी हमें हाई फ्लेम पर फ्राई करना है और 2 मिनट बाद जब ये खुद ही अच्छे से फूल जाएंगे, फूल कर ऊपर आ जाएंगे पकौड़े, तो हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए हमारे पकौड़े खुद ही ऊपर आ गए हैं फूल कर, तो अब हम इसे उलट पलट करके गोल्डन कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। तो बहुत ही जल्द बन जाते हैं पकौड़े, इसमें टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर देखिए हमारे आलू के पकौड़े भी रेडी हैं, ग्रीन चटनी के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। हमारे आलू के और बैंगन के पकौड़े तैयार हैं। तो आप इफ्तार में इस तरह से बनाएं, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार पकौड़े बनते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेंदू वड़ा खाना तो सभी को पसंद, लेकिन बनाने के लिए बहुत सारा झंझट। पहले दाल को भिगाना, फिर पीसना और फिर उसका शेप देना बहुत ही मुश्किल। तो बिना झंझट, बहुत कम वक्त में और बहुत ही कम मेहनत में हम वैसा ही क्रिस्पी और टेस्टी मेदू वड़ा सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हैं। तो देखते हैं इसका बनाने का तरीका। तो यहाँ पर मैंने 2 कप पोहा ले लिया है। तो यहाँ पर आप कोई सा भी पोहा ले सकते हैं, एक थोड़ा पतला वाला आता है और एक थोड़ा सा मोटा वाला पोहा होता है, तो कोई सा भी आप ले लें। मैंने यहाँ पर 2 कप पोहा लिया है। मैंने इसे छलनी पर रख दिया है क्योंकि पहले हमें इसे वॉश करना है अच्छे से। तो यहाँ पर मैं इसे आपको पानी से इस तरह से वॉश करके दिखा रही हूँ। इसे आपने क्या करना है, नल के नीचे ही अच्छे से इसे वॉश कर लेना है, धो लेना है। तो इससे अच्छे हमारे पोहे एकदम साफ़ हो जाएंगे। तो इसे मैं नल के नीचे धो लूँगी। देखिए मैंने इसे धो लिया है, अच्छा साफ़ हो गया ये। अब मैं इसे एक बॉल में निकाल लूँगी, और अगर आप चाहे तो इसे थोड़ा सा भिगा कर कुछ देर के लिए रख सकते हैं, 5 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने बहुत ही पतला वाला पोहा लिया था, तो इसे मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए रखूँगी। अगर आपका पोहा थोड़ा सा मोटा वाला है तो आप इसे थोड़ा सा और पानी डालकर, थोड़ा सा हल्का सा पानी डालकर इसे भिगो कर रख दें 5 से 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद मैंने इसे चेक कर लिया है, ये अच्छी तरीके से हो रहा है मैश, अच्छी तरीके से ये सॉफ्ट हो चुका है। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, और 3 हरी मिर्चों को बारीक कट करके डाल देंगे, और बारीक करी पत्ते डालेंगे हम इसमें कट करके, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा इसमें। 1/2 चम्मच नमक ऐड कर देंगे, 1/2 चम्मच ही यहाँ मैंने साबुत ज़ीरा डाल दिया है। अब हमें इसे बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनाना है, तो हम इसमें डालना है 3 से 4 चम्मच चावल का आटा। तो चावल का आटा इसमें ज़रूर डालना है, इससे अच्छी बाइंडिंग होगी और अच्छा सा क्रिस्पनेस आएगा इसमें। मुट्ठी भर मैंने हरा धनिया डाल दिया है, और यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच दही ऐड किया है। अगर आपको थोड़ा सा ये सूखा लगे बैटर, तो आप इसमें थोड़ा सा और दही ऐड कर दें, और या तो फिर हल्का सा पानी का छींटा लगा दें। और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है और गूंथना है कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और ये जो पोहा है वो फूट जाना चाहिए, तो मैश हो जाना चाहिए अच्छे से। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से गूंथ लिया है, मुझे और पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही दही की ज़रूरत पड़ी मुझे, इसी में मेरा हो गया था, अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है और मैश हो गया है। तो यहाँ पर मैं अब क्या करूँगी, पानी से हाथ अपना गीला करेंगे, और थोड़ा सा एक मुट्ठी हमने यहाँ से पोर्शन ले लेना है, और इसे पहले इस तरह से हम दबा कर थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, और फिर हाथों पर इस तरह से रख कर हम अच्छा सा शेप देंगे, जिस तरह से हम मेंदू वड़ा का शेप देते हैं। तो इसे हम इस तरह से दबा दबा कर अच्छे से शेप दे देंगे, और यहाँ पर हमें बीच में इस तरह से उंगली से निशान बना लेना है, होल कर लेना है। पहले हमें उंगली को गीला कर लेना है, तो ये आसानी के साथ हो जाएगा। इस तरह से हमें उलट पलट कर दोनों साइड से अच्छा सा निशान बना लेना है। तो ये देखिए कितनी फटाफट से हमारा मेदू वड़ा तैयार हो गया है। और अगर हम दाल से बनाना चाहें तो हम बहुत ही मुश्किल लगता है, मुझसे भी नहीं होता है वो, तो इस तरह से बहुत ही आसान लगता है हमें मेदू वड़ा बनाना। तो आप यहाँ पर पोहा से बनाएं, या तो फिर सूजी से भी आप बना सकते हैं मेदू वड़ा, बहुत ही आसानी से आप उसे शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए, और इसे भी हमने उंगली को गीला करना है, और बीच में इसे इस तरह से निशान बना लेना है, हमें होल कर लेना है बीच में। तो आप चाहे तो इसे इसी तरह से कटलेट के शेप में भी फ्राई कर सकते हैं, मगर इस तरह से मेदू वड़ा का शेप बहुत ही अच्छा लगता है, तो और बहुत ही ईजी भी है, तो इस तरह से आप ज़रूर बनाएं।
ये देखिए इस तरह से मैंने सारे मेदूवड़ा तैयार कर लिए हैं। अब हमें इसे फ्राई करना है, तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। हमें इसे डीप फ्राई करना है और ऑयल को हमने बहुत तेज़ गरम कर लेना है, और डालते वक्त हम इसे गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इसमें जितना आ सकता है उतना ही हम इसमें डाल देंगे, और इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। नीचे का हिस्सा हो जाए तो पलट लेंगे हम। इस तरह से हमने दो तीन बार चेक करना है, उलट पलट कर लेंगे तो अच्छे से क्रिस्पी हमारे मेदूवड़ा बनेंगे। इसे हमने दो से तीन बार उलट पलट कर लेना है और अच्छा सा गोल्डन कलर आने देना है। इस तरह से आप मेदूवड़ा बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा, और आप जिसे भी खिलाएंगे वो समझ नहीं पाएगा कि आपने किस तरह से बनाया है मेदूवड़ा। तो बरसात का सीज़न है और कुछ खाने का मन है आपका, तो आप फटाफट से 10 मिनट में ये मेदूवड़ा बनाएं और सबको खुश कर दें। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। इस तरह से मैं सारे फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए हमारे क्रिस्पी मेदूवड़ा तैयार है। इसे हम हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। मेदू वड़ा हरी चटनी और नारियल की चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। यहाँ पर मैंने इसे हरी चटनी के साथ सर्व किया है। आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। जब आप पोहा से मेदू वड़ा बना रहे हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखें। इसे आपने दही के साथ ही मिक्स करना है तो बहुत ही अच्छा अंदर से सॉफ्ट बनेगा ये, और अच्छा सा टेस्ट आएगा इसमें। और अगर आप चाहें तो इसे पानी के साथ भी गूंथ सकते हैं। इसे बनाते वक्त अगर आपका बैटर थोड़ा सा गीला हो जाए तो आप उसमें 1 से 2 चम्मच चावल का आटा और मिक्स कर दें, और अगर बैटर थोड़ा सा सूखा है तो आप उसमें पानी के थोड़े से छींटे लगाएं और अच्छी तरह से गूंद लें। तो ये देखिए मैंने आपको बीच में से तोड़कर दिखा दिया है। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी मेदूवड़ा बने थे हमारे। तो फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल फूड टाइम फूडिशियस। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और यम्मी पास्ता सलाद। तो ये बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन जाता है। इतनी आसान रेसिपी है, इसे कोई भी बना सकता है और कभी भी इसे बना सकते हैं हम। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कढ़ाई में पानी गर्म कर लेंगे और उसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है और 1 चम्मच हम तेल ऐड कर देंगे उसमें। और जब उसमें बॉयल आ जाए पानी में तो हम इसमें पास्ता ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 कप पास्ता लिया है। यहाँ पर मैंने मैक्रोनी पास्ता लिया है, तो यहाँ पर आप अपनी पसंद का कोई भी पास्ता ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे बॉईल कर लेंगे। पहले हमें इसे यहाँ तक बॉईल करना है कि ये गल जाए, मगर इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक मत करना वरना ये चिपचिपे से हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक में उठाकर यहाँ पर हाथ से इस तरह हम दबा कर देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम जल्दी से एक छलनी में निकाल लेंगे और उसे हम ठंडे पानी से धो लेंगे। ऐसा करने से पास्ता आपस में नहीं चिपकेंगे। अब इसे हमने अच्छे से धो लिया है। यहाँ पर हमने एक प्लेट में क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेना है और इसे हम पास्ता को इसी प्लेट में रख लेंगे तो ये बहुत ही अच्छे एकदम खिले खिले से रहेंगे और चिपकेंगे नहीं। तो इसे हम रख देते हैं, तब तक हम अपनी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच मेयोनीज़ ले लिया है एक बॉल में। इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे चाट मसाला पाउडर और 1/2 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने एक नींबू का रस निकाल कर डाल दिया है और इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच टोमेटो सॉस और फिर इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम एक साथ मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा सॉस रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर मैंने एक टमाटर को इस तरह से बारीक काट लिया था, वो ऐड कर दूँगी। एक यहाँ पर मैंने खीरे को काट लिया था, वो भी मैं डाल दूँगी। एक छोटी गाजर को काट के डाल दिया है मैंने और एक छोटी शिमला मिर्ची को भी मैंने बारीक काट कर डाल दिया है। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स डाल सकते हैं जो अवेलेबल हो। 3 हरी मिर्चों को मैंने काट कर यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मिर्च हमने टेस्ट के लिए डाली है कि थोड़ा सा चटपटा सा हमारा ये सलाद बने। यहाँ पर हम सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे हमारी मैक्रोनी जो हमने बॉईल करके रखी थी। तो आप देख सकते हैं ये कितनी खिली खिली सी है और बिल्कुल भी ये चिपकी नहीं है। मैक्रोनी डालने के बाद इसे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है।
हमारा हेल्दी और यम्मी पास्ता रेडी है। सिर्फ 10 मिनट में ये रेडी हो जाता है। यहाँ पर मैंने सलाद के पत्ते को कट करके डाल दिया है इसमें, तो ये बहुत ही हेल्दी है। हमने इसको पूरी तरह से हेल्दी बनाया है। अगर आपके पास सलाद के पत्ते नहीं है तो आप इसमें हरा धनिया काट कर डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमारा पास्ता रेडी है। तो देखिए आपने इसे इसे कोई भी बना सकता है, ये इतना इजी है बनाना। और इसे आप एक बार बनाकर रख ले फ्रिज में, और इसे आप पूरे दिन में भूख लगे जब भी तो इसे निकाल कर आप खा सकते हैं। तो इसे मैं एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। हमारा हेल्दी और यम्मी पास्ता सलाद तैयार है। इस तरह से आप बनाएं और बच्चों को भी दे बना के, बच्चों को तो बेहद पसंद आता है पास्ता सलाद। इस तरह से आप बनाएं, बहुत ही हेल्दी है। रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी, और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड टाइम फूड डिशेस। आज हम बनाएंगे कटोरी चाट। तो ना ही हमें आटा गूंदने का झंझट है, बस हम मैदे को घोलेंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम कटोरी बनाएंगे, और कटोरी से हम कटोरी चाट बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक बाउल में आधा कप मैदा ले लिया है, और यहाँ पर 2 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर ले लेंगे, और इसमें हम 1/4 चम्मच नमक ऐड करेंगे, और यहाँ पर 2 छोटे चम्मच हम इसमें ऑयल डाल देंगे, और फिर हम इसे थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे घोलेंगे। तो हमें एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, वरना हमारा बैटर पतला हो सकता है। तो हम इसे धीरे धीरे पहले घोलेंगे, और यहाँ पर हमारी मैदे में गांठें ना पड़ जाए इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पहले पानी डालते जाएंगे, और फिर हम इसे मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लिया है। तो ये देखिए, इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी, इस तरह की गाढ़ी और फ्लोइंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं एक करछी की मदद से। तो ये देखिए, हमने इसे घोल में इस तरह से एक बार हम इस तरह से चलाएंगे, और यहाँ पर देखिए कितना गाढ़ा घोल है ये, और एक उंगली की मदद से हम देखेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये एकदम परफेक्ट घोल है, तो हमें इसी तरह का चाहिए। इससे ना पतला चाहिए और ना ही इससे गाढ़ा चाहिए हमें। अब हम यहाँ पर अपनी चाट तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े आलू को उबाल लिया था, और उसे मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है, और यहाँ पर मैंने चने को, छोटे वाले चने को मैंने यहाँ पर बॉईल कर लिया था नमक डालकर, और यहाँ पर एक बड़े टमाटर को भी मैंने अच्छे से बारीक काट लिया है, और एक छोटी सी ऑनियन को भी मैंने बारीक काट लिया है, चॉप कर लिया है, और 2 छोटी हरी मिर्चों को भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और ये बेसन की बूंदी है ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और हरा धनिया मुट्ठी भर के हम इसमें डाल देंगे, और यहाँ पर डालेंगे हम 1/2 चम्मच नमक, और 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हम इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, और 1/2 चम्मच हम डालेंगे चाट मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम एक साथ खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये हमारा बहुत ही टेस्टी चटपटा सा हमारा चाट ये तैयार हो गया है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने, अब हम इसे एक साइड में रख देंगे, और अब हम पहले अपनी कटोरी को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, तो तेल को हम अच्छा गरम कर लेंगे, और यहाँ पर पहले हम एक करछी लेंगे कटोरी बनाने के लिए, हम इस करछी का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम उसे करछी को पहले तेल में थोड़ा सा डुबो लेंगे, और फिर टिश्यू पेपर की मदद से हम उसे साफ़ कर लेंगे। अगर तेल इसमें लगा रहेगा तो बैटर बराबर से इसमें नहीं लगेगा, तो हम उसे टिश्यू से पोंछ लेंगे, और फिर उसे हम इस तरह से डिप करेंगे मैदे के घोल में, और फिर हम उसे कढ़ाई में डाल देंगे ऑयल में। तो हम उसे कुछ देर इसी तरह रहने देंगे, और गैस का फ्लेम हम मीडियम पर रखेंगे। तो ये हमें इसे छुड़ाना नहीं पड़ता है, हम इसे चारों तरफ से अच्छे से सब तरफ से हम सेक लेंगे, तो ये खुद अपने आप छूट जाती है उसमें से, करछी में से, और फिर हम उसमें थोड़ा थोड़ा सा तेल डालकर उसके अंदर के हिस्से को भी हम अच्छा सा गोल्डन कर लेंगे।
अभी अच्छे से गोल्डन हो चुकी है तो हम इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम दूसरी भी बनाएंगे। तो हमें इसे इसी तरह रहने देना है करछी में, और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाती है तो खुद ब खुद ये छूट जाती है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा तेल डालेंगे इसमें और अच्छे से दोनों साइड से हम इसे गोल्डन कर लेंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी ये कटोरी बन के तैयार होती है और इसे बनाने में बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही जल्द ये बन जाती है। यहाँ पर हमें ना आटा गूंदना है, ना ही इसे किसी कटोरी में चिपकाना है, कुछ भी नहीं। बस ये बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बनाते जाएंगे। तो इस तरह से मैंने सारी फ्राई कर ली है और अब हम इसे इसकी चाट बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 कटोरी ले ली है प्लेट में, और मैं इसमें जो हमारा चाट मसाला मैंने तैयार करके रखा है वो चाट में इसमें डाल दूँगी। अच्छे से हम इसमें खूब सारा डालेंगे। यहाँ पर मैं 2-2 चम्मच इसमें डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से भर दिया है, इसमें कटोरी में मैंने चाट को भर दिया है। और अब यहाँ पर मैं ऊपर से दही पोर करूँगी। तो दही को मैंने अच्छे से पहले फेंट लिया था, अब मैं इसे चारों में अच्छे से ऊपर से पोर करूँगी। आप कम या ज़्यादा इस पर डाल सकते हैं, आप इस पर खूब सारा दही डाल सकते हैं। जो स्ट्रीट में हम दुकानों में हम जब खाते हैं तो वो लोग पूरा इसमें बहुत ज़्यादा दही डाल देते हैं, तो बहुत ही अच्छी चाट यम्मी लगती है। और यहाँ पर मैं ऊपर से भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डाल दूँगी, और यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर डाल दूँगी ऊपर से मैं, और थोड़ा सा चाट मसाला इस पर डाल दूँगी मैं। तो ये बहुत ही अच्छी टेस्टी यम्मी हमारी चाट बनी थी। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही इजी है। और यहाँ पर मैं हरी चटनी ऊपर से डाल दूँगी ताकि हमारी खट्टी मीठी तीखी सी चाट तैयार हो। तो ये नॉर्मल हमारी जो हरी चटनी होती है ये वही है। यहाँ पर आप तीखा अगर खाना पसंद करते हैं तो आप चटनी को ज़्यादा डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं डालूंगी इसमें इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो सभी की फेवरेट होती है, और इससे तो हमारे चाट का मज़ा दुगना हो जाता है। तो हम ये अच्छे से डालेंगे इस पर, ये इमली और गुड़ की खट्टी मीठी वाली चटनी है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर खट्टी मीठी चटनी भी डाल दी है, और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर से दही और डालेंगे। ये आपकी चॉइस है, अगर आप डालना चाहें तो ऊपर से दही डाल सकते हैं। तो मुझे ये दही वाली बहुत अच्छी लगती है ये चाट। अब यहाँ पर हम ऊपर से बारीक सेव डाल देंगे, बारीक सेव से हम इसे गार्निश करेंगे। और यहाँ पर आप ऊपर से अनारदाना भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास अनारदाना नहीं था, मैंने यहाँ पर ऊपर से हरी धनिया को चॉप करके डाल दिया है ऊपर से, और यहाँ पर मेरे पास चॉप टोमेटो थोड़े से मैंने बचा लिए थे तो वो मैंने डाल दिए हैं ऊपर से। आप यहाँ पर अनारदाना डाल दीजिएगा। बहुत ही यम्मी हमारी चाट बनकर तैयार हुई है। तो ये देखिए कितनी यम्मी लग रही है। तो अब हम दुकान जैसी चाट हम घर में भी बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा और ये हमारी चाट कैसी लगी? तो अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो ये हमारी चाट बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनी थी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।